भारतीय नेत्ररेखा के पुंछ सेक्टर में कल रात दो दहशतगर्दों को मार गिराया गया है, जिसमें से एक दहशतगर्द की जो बॉडी है वो हमें रिकवर हुई है इंडियन आर्मी ने, और एक जो दहशतगर्द की बॉडी थी वो पाकिस्तान आर्मी का पाकिस्तान आर्मी कहूंगा वो वहां से उठा के ले गए। मैं आपको बताता चलूं कि ये देख सकते हैं AK-56 राइफल जो है उस दहशतगर्द से ये बरामद हुई है, जो मुनीर हुसैन हिजबुल का कमांडर था उसे ये बॉडी, ये जो AK-56 राइफल है ये बरामद हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर उसके उससे एक रिवॉल्वर जो है ये हुई है। मौत का कितना सामान हो ये लेके आते हैं, ये आपने देख लिया होगा। इसी तरह कल गुंदा में भी एक दहशतगर्द को हमारी भारतीय सेना व SOG और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने वहां मार गिराया था। ये देख सकते हैं उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ये उनके कार्ड आप देख सकते हैं, पाकिस्तान की करेंसी जो है वो भी आप देख सकते हैं, ये दहशतगर्द अपने साथ लेके आए थे। खाने के लिए उन्हें ये बिस्किट वगैरह ये देख सकते हैं किस तरह वो लेके आए थे, कैसे सर्वाइव करते हैं। दवाइयां आप देख सकते हैं, इंजेक्शन देख सकते हैं। जब भी हमारी भारतीय सेना उन पर अटैक करते हैं, जब उन्हें गोली लगती है, उसके बाद ये देख सकते हैं किस तरह वो अपने साथ जो है मेडिसिन साथ रखते हैं। जितनी भी मेडिसिन है ये देख सकते हैं पाकिस्तान मेडेड है। ये देख सकते हैं उसके पास ये जो बैग था, ये बैग वो साथ रखते हैं। ये देख सकते हैं किस तरह उनके पास ये चार रखा हुआ है। ये देख सकते हैं किस तरह उनके उसके साथ बरसात के लिए ये जो अपने साथ सामान रखते हैं। ये जो दहशतगर्द है ये इसका कमांडर था, और कमांडर को ही कल रात को यहाँ पुंछ सेक्टर के एरिए में हमारे ज्वाइंट ऑपरेशन में उसके मार गिराया गया है। पिछले 22 दिनों में 12 दहशतगर्द जो हैं वो यहाँ पर मार गिराए गए हैं हमारे भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्स और SOG की तरफ से। कल का जो वहाँ राजौरी के अंदर गुंदा खास एरिए में जिस दहशतगर्द को मार गिराया गया था उससे भी एक AK-56 रिवॉल्वर इसी तरह मौत का सामान जो लेके आए थे वो वहाँ बरामद हुआ था, क्योंकि इनका अब एक ही मकसद है टारगेटिंग किलिंग। जिस तरह हमारे डांगरी के अंदर टारगेटिंग किलिंग की गई थी पाकिस्तान, क्योंकि आमने सामने वो लड़ नहीं पाता है, इसलिए दहशतगर्द जो है वो अब यहाँ पर इंडियन की तरफ से धकेला जाता है, क्योंकि अब यहाँ मक्की का यहाँ फसल होता है, यही मौसम होता है जहाँ उन्हें भेजा जाता है। कैमरामैन अक्षय के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक सेट समाचार, पुंछ। कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सके, ये आप देखिए ये AK-50। ये 56 है।